हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम सिक्सटीथ जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अब यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे अब वेमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं डोमेस्टिक वॉयेंस को लेकर यहाँ पर लॉज और प्रोविजन हैं डाउरी को लेकर यहाँ पर लॉज और प्रोविजन्स हैं लेकिन यहाँ पर कुछ हैंडफुल ऑफ विमेन हैं जो कि इन लॉज का मिसयूज़ करती हैं अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी ही कंप्लेंट्स फॉल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर जेन्यून होते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ हैंडफुल ऑफ वीमेन हैं जो कि इन लॉज का मिसयूज़ करती हैं अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए टर्म भी यूज़ किया था न्यू लीगल टेररिज्म अब उसके बाद अब हम ये केस पढ़ते हैं अब ये केस है कोर्ट क्वेश्चन नन्स कंडक्ट इग्नोर्स चेंजेस इन लॉ ऑन रेप तो यहाँ पर एक बिशप को कन्विक्ट किया गया था कि उस बिशप ने यहाँ पर जो नन है उसके साथ सेक्शुअल असल्ट किया लगभग तेरह बार यहाँ पर सेक्सुअल असल्ट किया है तो कोर्ट फ्लैक्स थर्टीन केसेज फ्रॉम द मेडिकल रिपोर्ट बट अंडरलाइंस That there इज़ नो पेनाइल penetration. अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन को बहुत ही ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया कि सिर्फ पेनाइल पेनीट्रेशन को ही यहाँ पर सेक्शुअल असोल्ट या रेप कंसिडर किया जाएगा इट lends क्रेडेंस टू तो अ कंप्लेंट अगेंस्ट her. इसके अलावा किसी रिलेटिव ने यह कंप्लेंट कर दी थी कि जो वेमेन है उसका तो कहीं अफेयर चल रहा था तो कोर्ट ने यहाँ तक कि वेमेन कह रही है कि नहीं उसका अफेयर नहीं चल रहा था ये जो भी यहाँ पर रिपोर्ट की गई है ये सब कुछ फॉल्स है लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने उस कंप्लेंट को क्रेडिबल माना तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कोर्ट है वो वुमेन के कंडक्ट को क्वेश्चन कर रही है कि ये जो वुमेन है ये जानबूझ के फॉल्स कंप्लेन कर रही है अपने पर्सनल वैन डेटा को सेटल करने के लिए अब अगर कोई रेप केस होता है तो लॉ के अंडर में द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट इन अ रेप केस इज कंसिडर्ड सफिशेंट जब तक उसमें बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसीज नहीं दिख रही हूँ तब तक यहाँ पर जो भी कंप्लेनेंट का यहाँ पर बयान होता है उसको सच ही माना जाता है अब द नेचर ऑफ द सॉल्ट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड इंक्लूडिंग टचिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट एंड फोर्सिंग हर टू टच इज़ प्राइवेट पार्ट तो ये भी सेक्शुअल असॉल्ट में आएगा जब यहाँ पर डेफिनेशन को रेप की डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया था तो पहले ओल्ड लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ डेफिनेशन ये थी रेप की तो हैड रिस्ट्रिक्टेड इट्स डेफिनेशन टू नॉन कंसेंशुअल पीनो वजाइनल पेनेट्रेशन तो पहले रेप की डेफिनेशन ये थी लेकिन बाद में उसको और ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया गया तो अगर ब्रॉडन डेफिनेशन के बाद देखें तो उसमें तो ये कंसिडर किया जाएगा लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने यहाँ पर नन के कंडक्ट को यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि जो नन का कंडक्ट है वो यहाँ पर बिशप को फंसाने की कोशिश की जा रही है पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने की कोशिश की जा रही है अब मैं इस केस में कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं कर कि इस केस में कौन सही है कौन गलत है लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि कुछ हैंडफुल ऑफ वूमेन यहाँ पर प्रोविजन का गलत इस्तेमाल करती हैं आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अब कोल्ड डे कैसे डिफाइन करते हैं तो कोल्ड डे मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जिस दिन यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 4.5 पॉइंट टू सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस बिलो द नॉर्मल तो जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे टेम्परेचर 4.5 से लेकर 6.4 पॉइंट फोर डिग्री तक कम हो जाए या तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर दस डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर हो जाए तो उसको यहाँ पर कोल्ड डे बोलते हैं अब सीवियर कोल्ड डे तब होता है जब यहाँ पर जो मैक्सिमम टेमपेचर है वो सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री या उससे भी कम हो जाए तो अ सीवियर कोल्ड डे इज रिकॉर्डेड वेन द मैक्सिमम टेम्परेचर डिप्स पॉइंट फाइव डिग्रीज और मोर बिलो द नॉर्मल तो यहाँ पर आपको कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे की डेफिनेशन पता चल गई आगे हम चलते हैं लेपर्ड्स टू लोन स्ट्राइप हाइना कैमरा स्केच ट्वेंटी मेमल्स अब असोला भाटी सेंचुरी ये है यहाँ पर डेली में तो कैमरा ट्रैप्स एट द असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यहाँ पर डेली में है यहाँ पर हॉक डियर हॉक डियर अकॉर्डिंग टू आई यू सी एन ये इंडेंजर्ड है इसके अलावा यहाँ पर इजिप्शियन वल्चर भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है बाई द आई यू सी एन तो यहाँ पर इजिप्शियन वल्चर का आपको आई यू सी एन स्टेटस पता चल गया कि ये इंडेंजर्ड है और यहाँ पर हॉक डियर भी इंडेंजर्ड है आगे चलते हैं अब यहाँ पर डेली का एक प्रोग्राम है देश के मेंटर प्रोग्राम अब देश के मेंटर प्रोग्राम में क्या होता है इन्होंने एक ऐप बनाई है जो कि डेली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने वो ऐप बनाई है उससे यहाँ पर मेंटर्स और मेंटीज कनेक्ट होते हैं कोई भी यहाँ पर मेंटर बन सकता है उसको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी होती है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी अपनी आई का प्रूफ देना ज़रूरी नहीं होता है तो ऐसे में एन का ये कहना है कि जो बच्चे हैं वो वनरेबल हो सकते हैं हो सकता है कि कोई जो मेंटर है वो उनका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करे ओवर द फ़ोन कॉल्स अब ये डर था एन को तो एन ने बोला है कि इन लूप को प्लग किया जाए उसके बाद ही इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए तो वही हम डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पर डेली का ये कहना है डेली गवर्नमेंट का कि हम अकॉर्डिंग टू जेंडर ही यहाँ पर मेंटर और मेंटीज़ को कनेक्ट करते हैं लेकिन उसके बाद भी एनसीपीसीआर ने कहा है कि अगर आप ऐसा परसेप्शन आपका या आपने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि अगर यहाँ पर सेम जेंडर के ही मेंटर और मेंटी होंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं तो इट इज स्टेटेड दैट असाइनिंग चिल्ड्रन टू अ मेंटर ऑफ द सेम जेंडर एज दम डज नॉट नेसेसरली अश्योर देयर सेफ्टी फ्रॉम अब्यूज इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द लै फॉर पुलिस वेरीफिकेशन ऑफ द मेंटर्स तो यहाँ पर एन सी का यही कहना बेसिकली जो भी मैंटर्स है उनके यहाँ पर पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाए आगे चलते हम मेजर आलूवालिया तो फाउंडर ऑफ़ द इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर प्रोफेशनल माउंटेनियर एंड पद्मश्री रेसिपिएंट मेजर एचपीएस पी एस आलू वालिया डॉन्ट मेनी हेड्स ही अवे ऑन फ्राइडे इवनिंग एट द एज ऑफ एटी फाइव ही वाज पार्ट ऑफ़ द फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट इन 1965 तो यहाँ पर जो इंडियन एक्सपीडिशन जो पहला इंडियन एक्सपीडिशन था उसके पार्ट थे जिन्होंने यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को सबमिट सम, किया था माउंट एवरेस्ट को 1965 में उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं तो हम यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे आगे चलते हम महाराष्ट्र अलाउस लोअर रैंक ऑफिसर्स टू प्रोब एट्रोसिटीज़ एक्ट केसेस तो यहाँ पर जो शेड्यूल के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है तो उसमें अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन या प्रोब यहाँ पर जो कर सकता है वो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ पुलिस रैंक ऑफिसर्स जो कि बेसिकली यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर या असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर से तो ऊपर रैंक के ही होते हैं लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र ये चाहता है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक के ऑफिसर्स हैं या जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक के ऑफिशर्स हैं वो भी यहाँ पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट नाइनटीन के अंदर जो कंप्लेंट्स हैं उनको यहाँ पर प्रूव कर सकें क्योंकि यहाँ पर जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है ये सेंट्रल लॉ है ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन है ये एक सेंट्रल लॉ है और इसके रूल्स भी फॉर्मुलेट होंगे विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है तो विद वर्ड पावर और अंडर वर्ड प्रोविजन इज द स्टेट गवर्नमेंट ट्राइंग टू डाइल्यूट द रूल्स बाई एन एग्जीक्यूटिव एक्शन तो अब यही देखने वाली बात है कि सेंट्रल लॉ में क्या यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अमेंडमेंट कर सकती है इट हैज़ बिन नोटिस दैट ईच ऑफिसर अब यहाँ पर जो प्रोप कर सकता है वो हाई रैंक ऑफिशियली कर सकता है तो जिसकी वजह से यहाँ पर हर ऑफिसर के पास लगभग लग चालीस से पचास केसेज है जिसकी वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऑफेंस कमिटेड अंडर द एक्ट शेल बी प्रोव बाई अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो इसमें जो भी प्रोव कर सकता है वो बेसिकली यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलाउ किया है लोअर रैंक ऑफिसर्स टू प्रोव एट्रोसिटीज एक्ट केसेस अब जयशंकर राष्ट्रपक्ष डिस्कस एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्रेडिट लाइंस तो यहाँ पर श्रीलंका के साथ हमने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इन रिनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर श्रीलंका को हम क्रेडिट लाइन्स देंगे फॉर फ्यूल एंड फूड त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म का यहाँ पर जॉइंट डेवलपमेंट होगा इसके अलावा हमने फोर मिलियन डॉलर का क्रेडिट स्वाप फैसिलिटी की है श्रीलंका के साथ इसके अलावा हमने यहाँ श्रीलंका को बोला है कि जिन भी फिशरमैन को आपने यहाँ पर डिटेन कर रखा है उनको जल्द से जल्द आप छोड़ दो तो टू मिनिस्टर्स द अर्ली रिलीज ऑफ इंडियन फिशरमैन इन श्रीलंका फॉर पास इन इट्स वाटर्स जहां पर हम श्रीलंका की इतनी हेल्प कर रहे हैं ऐसे में श्रीलंका सिर्फ बिना किसी बात के सिर्फ अगर लाइन को थोड़ा सा क्रॉस कर दे मेरी मेरीटाम बाउंड्री को थोड़ा सा क्रॉस कर दे तो ऐसे में फिशरमैन को अरेस्ट करना तो ऐसा श्रीलंका को नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेविगेशन करने का तरीका नहीं होता है यहाँ पर फिशरमैन के पास तो उनसे गलती में कभी क्रॉस हो जाता है आगे चलते हैं हम यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फातिमा शेख की बात की गई है तो फ़ातिमा शेख भी टीचर थी सावित्री बाई फूले के साथ ही एंड दे सो नॉट उस समय इन्होंने नाइनटीन के टाइम मिड नाइन्टीन सेंचुरी के टाइम उन्होंने राइट right को असेर्ट करने की कोशिश की थी जो एजुकेशन लेना है वो सिर्फ यहाँ पर कुछ प्रिवलेज लोगों का ही राइट right नहीं है वो सबका राइट right है तो एजुकेशन एज अ राइट दैट ऑल शुड एन्जॉय नॉट ओनली द प्रिज प्यू और यह नाइनटीन्थ सेंचुरी की बात चल रही है और वो भी उन्होंने किसी कॉस्मोपोलिटन सिटी में जाकर यह बात नहीं बोली ये उन्होंने पुणे में जाकर यह बात बोली इन दिटी ऑफ पुणे जो कि उस समय बहुत ज्यादा कंजर्वेटिस्ट था तो एंड देट सो नाट एन वन ऑफ द

उनको एक स्पेस चाहिए था तो उनको स्पेस दिया था ज्योति राव के फ्रेंड मियान उस्मान शेख तो उन्होंने जो फेलो रेसिडेंट थे उन्होंने अपने घर को ही एक स्पेस बना कर दिया कि यहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं फिर वहाँ पर ही इन दोनों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो बेसिकली यही सब इसमें बताया गया इसके अलावा उन्होंने रिलक्टेंट फैमिलीज़ को परसुवेट करने की भी कोशिश की कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल में भेजें टू परसुवेट रिलक्टेंट फैमिलीज दट दे माइट सेफली सेंड द चिल्ड्रन देयर सच अ स्टनिंग चैलेंज टू द कंजर्वेटिव सोशल नॉर्म्स ऑफ द सिटी नेचुरली ड्रू अपोजिशन तो अब यहाँ पर किसी भी चेंज को कोई लाने की कोशिश करेगा तो ऑफकोर्स अपोजिशन होता है क्योंकि लोग चेंज से बहुत ज़्यादा डरते हैं द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू मेक अ मिनिमम ऑफ सिक्स एयरबैग्स कंपलसरी तो यहाँ पर जो भी एट पैसेंजर्स को व्हीकल कैरी कर सकता है तो उसके लिए यहाँ पर सिक्स एयरबैग्स को कंपलसरी कर दिया जाएगा आगे चलते हैं यहाँ पर फिलिपींस ने एक डील की है तो गवर्नमेंट टू एक्वायर थ्री सेवेंटी फाइव मिलियन डॉलर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया जिसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल का सिस्टम भी इनको दिया जाएगा तो फिलिपींस हैज़ फाइनलाइज्ड अ डील टू एक्वायर अ शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया फॉर नियरली थ्री सेवेंटी फाइव मिलियन डॉलर टू बर्फ इट्स नेवी इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इनको थ्री बैटरीज देंगी ट्रेन ऑपरेटर्स देंगे मेटेनन्स देंगे और इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा फिलिपिनस को इंडियाज़ पोजीशन ऑन नेपाल बाउंड्री कंसिस्टेंट तो इंडिया जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है लिपुलिक पास टू मानसरोवर थ्रू धरचूला दैट वॉज एनोपरेटेड बाई हिम रिसेंटली तो यहाँ पर जो राजनाथ सिंह ने इस रोड को इनोग्रेट किया था जो लिपू लेक पास से लेकर मानसरोवर से तक बन रही है और जो धारचूला से पास हो रही है उसके बाद यहाँ पर नेपाल का ये कहना था नहीं ये एरिया हमारा आप यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो काला पानी एक डिस्प्यूट बना हुआ था अब काला पानी इसीलिए डिस्प्यूट बना हुआ है क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि जो काली रिवर है उसका ओरिजिन क्या है तो इंडिया इस पार्ट ऑफ उत्तराखंड इंडिया का ये कहना जो काला पानी है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है लेकिन नेपाल का ये कहना है कि वो ये उनके धारचूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ये जो काला पानी वाला एरिया है तो यही इशू आगे हम चलते हैं और ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स है ट्रीटी ऑफ सगौली की वजह से जो कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स करके गए थे क्लोथ मास्क नॉट एज इफेक्टिव एज अ ये हम डिस्कस नहीं करेंगे अब कम्बोडिया में बहुत ज़्यादा डिजिटल सर्विलांस बढ़ रहा है ये लोग ये लोग एक नया सिक्योरिटी लॉ लेकर आया इंटरनेट सिक्योरिटी लॉ जिसमें कोई भी यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो गवर्नमेंट रन पोर्टल से पास होगा गवर्नमेंट रन पोर्टल उसको चेक करेगा क्या सारे डेटा यहाँ पर सारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है अगर कोई भी डेटा ऐसी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा तो उस डेटा को यहाँ पर उस ट्रैफिक को यहाँ पर पास ही नहीं होने दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर एक आर्टिस्ट है जो कि यहाँ पर कंबोडिया के डेली स्ट्रगल्स के बारे में ऐसे रैप लिखता है तो उसको भी यहाँ पर जेल में डाल दिया गया क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि उसकी वजह से यहाँ पर शो सोशल अनरेस्ट हो रहा है रैमडप स्क्रूटनी रिफ्लेक्ट एंड इनक्रीजिंगली रिस्ट्रिक्टिव डिजिटल इन कंबोडिया तो यहाँ पर जो चाइना का इंटरनेट को लेकर है अथोरिटेरियन मॉडल ऑफ इंटरनेट सर्विलंस वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज इस सूट को फॉलो कर रहे हैं जैसे कि वियतनाम तर्की और उसके बाद हम यहाँ पर कंबोडिया को भी देख रहे हैं कंबोडियाज नेशनल इंटरनेट गेट वे सेट टू बिगिन ऑपरेटिंग ऑन फेब्रवरी सिक्सटीन जिसमें यहाँ पर सारे ही इंटरनेट ट्रैफिक को यहाँ तक कि अब्रॉड से जो भी इंटरनेट ट्रैफिक यहाँ पर कंबोडिया में आएगा उसको यहाँ पर गवर्नमेंट रन पोर्टल से पास होना पड़ेगा और ये गेट वे सबके लिए मैडेट्री है जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ये गेट वे मैडेट्री है इट गिवस स्टेट रेगुलेटर्स द मीन्स टू प्रिवेंट एंड डिसनेक्ट ऑल नेटवर्क कनेक्शन तो यहाँ पर सारी नेटवर्क कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर नेशनल इनकम को इफेक्ट करेगा सिक्योरिटी को इफेक्ट करेगा सोशल ऑर्डर मोरलिटी कल्चर ट्रेडिशन या कस्टम्स तो ऐसी किसी चीज़ को वो इंपेक्ट करेगा तो उस ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो 1985 से वही प्राइम मिनिस्टर अभी तक पावर में हैं तो प्राइम मिनिस्टर सेन हु हैज़ बिन इन पावर सिंस 1985 एटी इनके इन कोई मंग थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के फेसबुक पेज पर सिर्फ ये लिख दिया कि कैसे फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है तो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया कि कैसे ये एक्सट्रीमिस्ट बात कर दी गई है तो ही डिस्क्राइब द एक्ट एज एक्सट्रीमिस्ट एंड ऑर्डर्ड पुलिस टू हंट द मंक टाउन तो ये चल रहा है बस आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आई होप आपको आज के न्यूज़पेपर समझ आ गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे